प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद करें प्रभु का, क्योंकि जीवन उसी ने दिया है। धन्यवाद करें प्रभु का, जीवन में बाधाएं उसी ने दी है। तो चलो आज का संदेश प्रभु के दास जोसी अब्राहम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। शुभ संदेश के द्वारा हमें सुनने वाला हरेक भाई बहनों को जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे पत्रस का पहला पत्री 5 अध्याय उसका 5 पद। इसी प्रकार हे नव युवको, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। पिछले सप्ताह हम लोग देख रहे थे कलीसिया में प्राचीनों का जिम्मेवारियाँ क्या क्या है, प्राचीन लोग कैसे कलीसिया को संभालना है वो हम लोग देख रहे थे। इधर जो नवयुवकों अर्थात जवान लोगों के लिए कुछ जिम्मेवारी या उनके लिए कुछ संदेश पत्रस दिया हुआ है। नवयुवको मतलब जो उम्र में जो छोटे जो भाई बहन लोग हैं उनके बारे में है। वो लोग क्या करना, हम लोग इधर पढ़ सकते हैं, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। 5 का 1 से 4 तक हम लोग कलीसिया का प्राचीनों के बारे में हम लोग देख रहे थे, लेकिन इधर जो प्राचीन शब्द इस्तेमाल किए हैं वो उम्र में जो बड़े लोग हैं और उनके बारे में है। सिर्फ कलीसिया का प्राचीनों के बारे में या उस विशेष पद के जो लोगों के बारे में नहीं है, जितने जो कलीसिया में जो बुजुर्ग लोग हैं बड़े लोग हैं उनके विषय में इधर बताया हुआ है, और उनमें जो ऑफिशियल जो प्राचीन है वो भी उनमें है। आज ऐसे एक जमाने में हम लोग रहता है कि ये जो जवान लोग अपने आप को ऐसा सोचता है कि वो सब कुछ कर सकता है और उनको सब कुछ जानता है, जो बड़े लोगों का बात सुनने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना मर्जी कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम लोग समझना है बूढ़े लोगों का या बुजुर्ग लोगों के पास बहुत सारा अनुभव है और उनका अधीन में हम लोग रहना जरूरी है, और उनके साथ हम लोग बहुत आदर के साथ उनके साथ हम लोग व्यवहार करना जरूरी है। जवान तिमोथियोस के लिए पौलोस पत्री लिखने के समय पौलोस विशेष तौर से बताया हुआ है। तिमोथियोस का पहला पत्री 5 का 1 में हम लोग ऐसे पढ़ता है, किसी बुड्ढे को ना डांट पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर आदर के साथ बुजुर्ग लोगों के साथ हम लोग बातचीत करना चाहिए और उसका आदर सम्मान देना जरूरी है, और उसी प्रकार कलीसिया का जो प्राचीन लोगों को भी उसी प्रकार हम लोग आदर करना है। तिमोथियोस का पहला पत्री 5 का 17 में हम लोग पढ़ता है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, ये कलीसिया का जो ऑफिशियल जो उस प्राचीन पद का लोगों के बारे में है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं विशेष करके वे जो वजन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं 2 गुणे आदर के योग्य समझे जाए। बुजुर्ग लोगों को हम लोग आदर करना है और विशेष करके कलीसिया का प्राचीन लोगों को हम लोग विशेष आदर और सम्मान देना चाहिए, और मैंने जैसे पहले बोला है कि जो बूढ़े लोगों को ज़्यादा अनुभव होता है। आयुब का किताब 32 अध्याय उसका 4 पद में हम एलीहू के बारे में हम लोग देख सकता है, एलीहू के बारे में लिखा है, एलीहू अपने को उनसे छोटा जानकर आयुब की बातों का अंध होने की बात जोहता रहा। इसलिए बूढ़े लोग जब बात करते हैं तब उसका बात को नहीं काटना है, वो लोग जो बोलना चाहता है वो हम लोग बहुत आदर के साथ हम लोग सुनना है।
क्योंकि वे लोग अपना जानकारी से बढ़कर अपना अनुभव से बात करता है, वो हम लोग समझना जरूरी है। इसलिए हम लोग जो प्राचीनों का जो आदर करना है, उसका सम्मान करना जरूरी है और उसका अधीन में रहना है, और विशेष करके कलीसिया का जो प्राचीन लोग है उसके अधीन जरूर हम लोग रहना है और उसको आदर देना है। और उसके बाद में उसी पद में ऐसे पढ़ सकता है, तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। जो बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, कोई भी हो, सबके लिए ये बता रहा है। हम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधने के लिए इधर बताया हुआ है। ये कमर बांधना मतलब हम लोग देख सकता है कि सेवा के लिए तैयार होना है। जैसा उस समय का जो गुलाम लोग होते थे, वो लोग जो अपना कमर बांधकर सेवा के लिए जो तैयार होता है, उसी प्रकार हम लोग दीनदा से हम लोग कमर बांधना, एक दूसरे की सेवा के लिए दीनदा से कमर बांधना जरूरी है। ये नम्रता या दीनदा हम विश्वासियों का एक गुण या स्वभाव होना चाहिए। पत्रस का पहला पत्री 3:8 में हम लोग पहले पढ़ा था, सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। प्रभु यीशु मसीह अपना चेलों का पैर धोने के विषय में हम लोग यूहन्ना रसूल समाचार 13:4-15 तक पद में हम लोग पढ़ सकता है, और उधर हम लोग उसका 4 में हम लोग ऐसे पढ़ते थे, यूहन्ना 13:4 में ऐसे पढ़ते, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोचे लेकर अपनी कमर बांधा है। चेलों का पैर धोने का पहले प्रभु यीशु मसीह अपना कमर बांधा है, मतलब प्रभु यीशु मसीह एक गुलाम का स्थान ग्रहण लिया और ये चेलों का पैर धोता। कितना बड़ा नमूना हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह दिखाया है। उस समय पत्रस भी उपस्थित थे और प्रभु यीशु मसीह से पत्रस से खुद सीखा है, और पत्रस ये हमें बताता है कि हम लोग क्या करना है, हम लोग दीनदा से अपना कमर बांधना एक दूसरे की सेवा के लिए। दूसरा लोग हमारा सेवा करे ये सोचकर कभी हम लोग नहीं बैठना है, हम हमेशा दूसरों का सेवा के लिए हम लोग तैयार होकर रहना है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है मरकुस रसूल समाचार 10:45 में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की चुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। प्रभु यीशु मसीह भी वो सेवा लेने के लिए नहीं आया, सेवा करने के लिए और अपना जीवन हमारे लिए देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। और अब 5:5 में हम लोग उधर और हम लोग ऐसे पढ़ता है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। ये जो पुराना नियम नीति वचन 3:34 से लिए हुए एक भाग है। याकूब का पत्री 4:6 में भी ये पद लिए हुए है, वहां भी हम लोग देख सकता है। हमारा परमेश्वर ऐसा एक परमेश्वर है, हमेशा अभिमानियों का या घमंडी लोगों का विरोध करने वाला परमेश्वर है। घमंड जो है वो परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, वो अभिमानियों का हमेशा विरोध करता है, लेकिन दीन लोग है, नम्र लोग है, उन पर अनुग्रह करने वाला, उसको बढ़ाने वाला, उसके साथ रहने वाला, उसके हर एक बातों को जानने वाला एक परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। इसलिए प्रभु हमें सहायता करे, हम लोग नम्र बने, दीन बने और एक दूसरे का सेवा के लिए हमेशा दीनता से कमर बांधकर हम लोग आगे बढ़े, और परमेश्वर में सहायता करे और प्राचीनों का अधीन रहकर उसका आदर करने के लिए और इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।